छोटी फिल्म है, छोटी फिल्म मतलब कि शॉर्ट फिल्म है, 11-12 मिनट की फिल्म है और ये रिलेशनशिप पे है और इससे ज़्यादा बता देंगे तो मतलब 11 मिनट की फिल्म आप जाके देखेंगे नहीं, ठीक है। तो इतना कह सकते हैं कि ये रिलेशनशिप पे है ये फिल्म और इसमें तीन किरदार हैं, मैं हूँ और दो और एक्टर्स हैं, एक ने हमारी पत्नी का रोल किया है और एक ने उनके श्रिंक का रोल किया है और इनके बीच में क्या सामंजस्य है, क्या रिश्ता है, क्या बनपता है, उसकी कहानी है ये। ये आप देखेंगे तो समझ में आएगी। मैं बताऊंगा तो आप जज करने लग जाएंगे। 11 मिनट में अपनी बात रखना ये कितना मुश्किल और आसान रहता है? ये तो है डायरेक्टर और राइटर, इनसे पूछिए क्या तीर मारा इन्होंने। आप कितना मुतमइन थे और आप जल्दी मतलब बहुत चुनिंदा फिल्में करते हैं या जो भी आप करते हैं वो चुनिंदा करते हैं? जी जी हाँ। क्या ऐसा खास लगा इस साइड या सुपर कुछ? ये खास ये लगा कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और कुछ घंटे की कहानी है ये कहानी जो है, मतलब एक घंटे के अंदर ये कहानी ख़त्म हो जाती है और फिल्म में भी वो उसी एक घंटे में क्या क्या होता है इन तीनों किरदारों के साथ, जिससे कि उन तीनों की ज़िंदगी जो है मतलब सामने आती है, ये कहानी है। और अगर हम अभी नहीं चले तो अब हम गाड़ी से हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। नहीं वो डर गए आपसे इसलिए बंद है। नहीं नहीं कंटिन्यू और साहब उनको बाहर जाना है। पीछे पीछे विनय जी, वो रिलेशनशिप वाला भी कुछ एक्सपीरियंस बताइए कैसा रहा, मतलब कौन सा रिलेशनशिप हमें देखने को मिलेगा? आप जैसा मैंने बताया ना कि मैं हूँ, मेरी पत्नी है और उनकी साइकाइट्रिस्ट हैं, ठीक है। तो ये इन तीन किरदारों को लेकर ऐसी कहानी बुनी है आकाश जी ने कि उस एक घंटे के इवेंट के अंतराल में हमें पता चल जाता है कि मतलब ऊपर से सामान्य दिखने वाली चीज़ें भी कितनी जटिल और पेचीदा हो सकती हैं। विनय जी, कुछ एक एक्टर हैं साल में चार बार आते हैं, चार साल तीन बार से आप शिकायत तो नहीं कर रहे हैं ना? मैं मतलब ऐसा आपके फैन का भी कहना था, मैंने पढ़ा था, उनका कहना है कि विनय जी चार साल में दो बार आते हैं, चार साल में नहीं, ऐसा नहीं है भाई। देखिए हम हर साल आते हैं, एक बार आए चाहे दो बार आए, हम हर साल आते हैं। आप लोग नहीं हमारा इवेंट कवर करते हैं, वो तो मतलब फैंस को आपसे पूछना चाहिए कि आप आइलैंड सिटी के प्रीमियर में कहाँ थे? हमारी दूसरी टीम है। ठीक हाँ, तो फिर आपका रिसर्च बताएगा ना, आप कैसे कह सकते हैं चार साल में एक बार आते हैं? हम तो हर साल आते हैं, इनका है ना, इनका विकेट गिर गया। चलिए कॉट एंड बोल्ड। बदलाव आया डिजिटली, जो अब सब कुछ डिजिटल होता चला जा रहा है, यूट्यूब पे और यू नो सोशल मीडिया पे फिल्में रिलीज हो रही हैं, वो कितना पॉजिटिव साइन मानते हैं और एक लिबर्टी भी कहीं कि आपको जो दिखाना है जो कहना है? यार देखो यार, बहुत सिंपल सी बात है, एक नया प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। तो इसके पहले कि हम इस प्लेटफॉर्म को जांचें, परखें, देखें कि इसमें क्या बात है, पहले से उसको रिजेक्ट करना भी ठीक बात नहीं है।
अब जब नया नया टीवी आया था तो हम सब हो गए थे ना सकते में, ये क्या यार पिक्चर तो हम हॉल में जाके देखेंगे, टीवी पे कैसे देखेगा कोई पिक्चर, एंड टीवी हैज़ कम टू एग्जिस्ट। उसी तरह से जब .com शुरू हुआ था, जब इंटरनेट शुरू हुआ था, तो हम सब थोड़े स्केप्टिकल रहते हैं। जब भी एक नॉर्मल सी ब्रेक की जाती है ना, जब एक सामान्य पद्धति को अगर तोड़ा जाता है तो थोड़ी खलबली तो मचती है। लेकिन चूंकि ये नया मीडियम है, डिजिटल मीडियम है, ऑलरेडी इस मीडियम के थ्रू कई चीज़ें हो रही हैं, अलग अलग तरह की कहानियाँ कही जा रही हैं, तो हमारे लिए, कहानी कहने वालों के लिए, कहानीकारों के लिए, आप लोगों के लिए तो कितनी कमाल की बात है। उसके अलावा क्या क्या हो रहा है? उसके अलावा तो फिल्में हो रही हैं, टेलीविज़न हो रहा है, सिनेमा हो रहा है और नाटक हो रहा है जो अक्सर होता रहता है हमारे साथ। कुछ 4 प्लेस हैं जिसको लेके हम ट्रैवल कर रहे हैं इस साल की शुरुआत से, तो ट्रैवल चल रहा है निरंतर। मेरी पहली पसंद इस पर्टिकुलर फिल्म के लिए विनय सर, दूसरी के लिए दूसरी पसंद। सो बेसिकली एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि एक होता है कि आपको समझाना है कि क्या करना है एग्जैक्टली एक्टर को, वो वन टेक आर्टिस्ट हैं और कई सारी चीज़ें उन्होंने हमें बताई कि आप ऐसे इसको करो तो सही आउटपुट निकलेगा इस चीज़ का। तो हम काफ़ी यंग हैं इस डायरेक्शन में एंड आई फील कि ही इज़ अ बेटर पर्सन टू टेल अस कि व्हाट शुड बी डन मोर। जो टाइटल है डार्क ब्रू, इट्स मोर अबाउट जब आप कभी कभी कॉफ़ी पीते हैं रात को ये सोच के कि मुझे नींद नहीं आएगी, और वो कभी कभी उल्टा हो जाता है, आपको नींद आ जाती है, तो वो जो रियलाइजेशन के बीच की दूरी है कि आप कॉफ़ी पी के जाग रहे हैं या नहीं जाग रहे हैं, उस कन्फ्यूजन पे मैंने ये टाइटल रखा है। मतलब ये पिक्चर देखने के बाद लोगों को नींद आ जाएगी, इस आप ज़रूरी आ जाएगी। नींद आएगी तो उनको ये समझ नहीं आएगा कि रियलिटी क्या है। ओके, आखिरी सेंसर बोर्ड को लेकर जो उथल पुथल हुई और जो बदलाव हुए उससे आप कितना खुश हैं बीइंग अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री? अभी प्रसून जी आ गए हैं सेंसर बोर्ड में, ये हमारे लिए बहुत ही अदम्य आनंद की बात है, बिकॉज वो हमारी इंडस्ट्री के प्रणेता हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और कम से कम और कुछ नहीं तो उनके साथ बातचीत की जा सकती है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव और सुनहरा कदम है मुझे लगता है। ये तो सवाल ही नहीं है कुछ, क्योंकि मैं उन दोनों लोगों को बहुत पर्सनली नहीं जानता, प्रसून जी को ज़्यादा जानता हूँ क्योंकि उनके काम से वाकिफ हूँ। तो ये बैठ के डिसाइड करना कि किसकी सेंसिबिलिटी ज़्यादा है सिनेमा की, ये थोड़ा सा अनफेयर सवाल नहीं है आपको लगता है? हैं कि आप कहेंगे कि आपकी डिग्री और हमारी डिग्री, आप कानपुर विश्वविद्यालय से, हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, तो किसकी डिग्री ज़्यादा यहाँ मजबूत है? ये तो थोड़ा अनफेयर है ना। ये तो ये भाई देखो, ये भैया देखो, मैं बता दूँ, ये आप विवाद वाला सवाल लेके आए हैं, ये मतलब नहीं पक्की बात, विवाद वाला सवाल लेके आए कि गुरु इनका चिपका दो अभी क्या बोलते हैं ये, फिर मतलब इसको रिकॉर्ड कर लें, है ना। देखिए जो पूछ रहे हैं वही बता रहे हैं, अरे वही बता रहे हैं भाई, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।